हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनी विजन चैनल। आज मैं आपसे बात करूंगा क्यों धंधे स्टार्टअप बिजनेसेस हिंदुस्तान में लॉस में चल रहे, क्यों लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे। जब स्केलेबिलिटी करते हैं तब लॉस में चले जाते हैं, उधारी में फंस जाते हैं, लोग बिजनेस को एक्सपेंशन ही नहीं दे पा रहे, मार्जिन नहीं निकाल पा रहे, क्या दिक्कत है। इंडियन बिजनेसमैन को क्या चीज नहीं पता जो फॉरेन बिजनेसमैन को पता है। देखो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, स्टार्टअप कर रहे हो ना, सबसे पहली चीज, फाउंडर हो आप प्रॉफिट कर जाओगे जब खुद चला रहे हो, अकेले सोलोमैन बन के चल रहे हो। बट जब आप टीम लेकर आओगे, बड़ा एक्सपेंशन करोगे, स्केलेबिलिटी करोगे, तब आप लोग फेल हो जाते हो, तब आप लोग लॉसेस में चले जाते हो। क्यों? टीम को सैलरी देना, ऑफिस के एक्सपेंसेस को बियर करना, इतने सारे ऑफिस में एक्सपेंस होते हैं, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, आपका ऑफिस बॉय हो गया, बहुत तरह के मैनेजमेंट की चीज़ें होती हैं, वहाँ पर आपका एक्सपेंस करना पड़ता है, लोगों को तनख्वाहें देनी पड़ती है, तो वहाँ लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते, लॉस में चले जाते हैं। तो क्या रीज़न है? कुछ कंपनी प्रॉफिटेबल है, जैसे HDFC बैंक प्रॉफिटेबल है, और कुछ कंपनियां आज भी लॉस में, कंटिन्यूसली लॉस में चल रहे हैं। या फिर कुछ हम एयरलाइंस को देखें, अगर जैसे इंडिगो एयरलाइंस है, वो लॉस मेकिंग से थोड़ा ऊपर है, मतलब थोड़ा बहुत प्रॉफिट करते हैं। बाकी आप SpiceJet को देखोगे या बाकी एयरलाइंस को देखोगे, या तो बैंकक्रप्ट हो रही है या वो लॉस में चल रही है या कर्जा उठा रहे हैं। बट वहीं पर सिंगापुर एयरलाइंस साले $8 बिलियन का प्रॉफिट। अगर आप एमिरेट्स को देखो, $5.1 बिलियन का प्रॉफिट, और एम्प्लॉय को 5-5 महीने की तनख्वाहें बांट रहे हैं। तो क्या ऐसा इन चीज़ों में डिफरेंस है कि एक तरफ तो कंपनियां हाईली प्रॉफिटेबल हैं, 5-5 महीने 10-10 महीने का बोनस बांट रही है, और एक उसी मार्केट में कंपनियां लॉस मेकिंग है, ऑपरेशनल खर्चा नहीं निकल रहा, बैंकरप्सी फाइल कर रही है। तो क्या डिफरेंस है? आज मैं आपको यही सारी चीज़ें बताऊंगा। देखो फ्रेंड्स, धंधे के अंदर है ना, जब आप एंटरप्रेन्योर होते हो, बिजनेस को चालू करते हो, आप खुद आप गल्ले में बैठे हो, आप लाला जी हो, आप क्या करोगे? इलेक्ट्रिसिटी सोचोगे, ऑफिस में लाइट जल रही है, अरे लाइट क्यों इतनी लेट तक जल रही है, इसको बंद करो। AC का खर्चा देखोगे, ऑफिस का खर्चा देखोगे, पियोन का खर्चा देखोगे, हर चीज़ का खर्चा आप खुद देखोगे। बट आपकी टीम खर्चा क्यों देखेगी? वो एक्सपेंसेस कम क्यों करेगी? वो कॉस्टिंग पर ध्यान क्यों देगी? कौन आपके धंधे में प्रॉफिट देखेगा? कौन आपके धंधे में मार्जिन देखेगा? कौन आपके धंधे में ये देखेगा कि नया हमें बंदा लेकर आना है, इस एरिया को प्रॉफिटेबल करना है, ये प्रोडक्ट काम का नहीं है, इसको चेंज करना है। ऑटोमेशन तभी तो होता है कि जब आप प्रॉफिटेबिलिटी के साथ ऑटोमेशन करो, ना किसी को ऑटोमेशन कर दिया। मैं PwC का आर्टिकल पढ़ रहा था, रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें मैंने पढ़ा कि जो 40% ग्लोबल CEOs हैं, वो ये मानते हैं, बिलीव करते हैं कि जब वो CEO की पोजीशन से स्टेप डाउन कर देंगे तो विद इन 10 ईयर्स उनका बिजनेस वेंचर खत्म हो जाएगा। अमेजोन के CEO उनमें से एक है, जेफ बेजोस, जो कहते हैं कि अगर वो कंपनी छोड़ के चले जाएंगे तो अमेजोन लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इसके आपको रीजन बताता हूँ, होता क्या, हम गल्ले पे बैठे, कस्टमर आया तो हम बेस्ट डिसीजन लेंगे, कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे। एम्प्लॉई है वो इस तरीके से हैंडल नहीं करता। स्विगी है, आज स्विगी का जो लॉस है वो 3,500 करोड़ रुपये हो चुका है। काफ़ी सारे इन्होंने क्लाउड किचन को शट डाउन कर दिया, 380 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ये एक साल में फायर कर चुके हैं लास्ट ईयर, और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने फायरिंग करी है। काफ़ी सारे स्टार्टअप्स एंड बिजनेस इन्होंने खुद ने बंद कर दिए। इवन अमेजोन भी एक टाइम तक लॉस मेकिंग कंपनी था, बट आज अमेजोन प्रॉफिटेबल है। तो क्यों कुछ कंपनियां प्रॉफिटेबल होती है, कुछ लॉस मेकिंग रह जाती हैं और बंद हो जाती हैं? यही आपको मैं डिफरेंस बताऊंगा। देखिए, आप गल्ले पे बैठे हो, धंधे पे बैठे हो, आप धंधे को प्रॉफिटेबिलिटी के साथ चलाओगे, क्यों? यू हैव प्रॉफिट इन इट। बट आपके एम्प्लॉय का प्रॉफिट क्या है? आपने अगर स्केलेबिलिटी के टाइम पर अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉफिट में हिस्सेदारी नहीं दी, सिर्फ सैलरी पे छोड़ दिया, टर्नओवर पे छोड़ दिया, तो वो धंधा प्रॉफिटेबल होता नहीं है। आज डीमार्ट वॉलमार्ट की कॉपी है, डीमार्ट के CEO के पास 3,000 करोड़ के शेयर्स है, सैलरी बहुत कम है, बट 3,000 करोड़ का उसका इंसेंटिव है इन इक्विटी फॉर्म, जिसको कभी भी एनकैश कर सकता है। तो इसलिए उसका CEO डीमार्ट का इतने अच्छे से पूरे धंधे को देश भर में चला रहा है। फ्लिपकार्ट भी अमेजोन का कॉपी है, बट उसके प्रोसीजर बहुत अच्छे थे। ओला, ओयो, सारे धंधे कॉपी होते हैं। आप मार्केट में इनोवेशन बहुत कम करते हो, आप एक दूसरे बिजनेस से इंस्पिरेशन लेते हो, उसका कॉपी क्रिएट करते हो और खुद का बिजनेस चालू कर देते हो। जैसे मैं अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की बात करूँ, वो स्पीकर हैं, बट उन्होंने अपना बिजनेस डेनलॉग से कॉपी करा, उनके मॉड्यूल्स को उठाया, देखा, वहाँ से उन्होंने कॉपी क्रिएट कर दी, फिर नए नए उन्होंने इंडिया के अंदर रास्ते बना लिए, खुद के प्रोग्राम्स के नेम दे दिए और अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कर लिया। तो मेजोरिटी ऑफ द बिजनेस आर कॉपीड इन मार्केट। ट्रेडिशनल बिजनेसेस प्रॉफिट मेकिंग थे, बट जो न्यू एज बिजनेस आ रहे हैं, लोग से पैसा लगाने की सोच रहे हैं। ROI कैसे आएगा, क्यों आएगा, वो आप सोचते ही नहीं हो। स्टार्टअप फाउंडर हो, बिजनेस ओनर हो, एजेंसी चलाते हो, ई कॉमर्स चला रहे हो, भैया प्रॉफिट सोचो कि मेरे को टर्नओवर कैसे मिलेगा, माल बिकेगा क्यों, और मेरे को ROI कैसे मिलेगा। हमारे पास, आपके पास होता है कि एक अच्छी एजेंसी आती है कि मैं आपकी मार्केटिंग कर दूंगी, ई कॉमर्स की वेबसाइट बना दूंगी, सोशल मीडिया पर ऐड चला देंगे, आप पैसा दे देते हो। बट मुझे एक चीज़ बताओ, उस एजेंसी ने ROI नहीं दिया, टर्नओवर नहीं दिया, फिर क्या करोगे? आपने कोई एग्रीमेंट साइन करा, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस को चेक करा, 10 बार उसकी चीज़ों को ऑडिट करा, खुद आपने चीज़ों को समझा? नहीं।
यू आर जस्ट कि हम एक अच्छी एजेंसी पकड़ेंगे, पैसा देंगे, हमारा काम हो जाएगा, एक अच्छा एम्प्लॉय बाहर से उठा के लाएंगे, सेल्स का, ई कॉमर्स मैनेजमेंट का मैनेजर लेंगे, उससे काम हो जाएगा, नहीं। धंधा अपना है, देखना अपन को है। और देखो, प्रोडक्ट सर्विस मैटर करता है धंधे के अंदर। आज बायजूस क्यों डूबा? बायजूस के पास फंडिंग नहीं थी, टॉप मैन पावर अच्छी नहीं थी, जो उसका फाउंडर, उसको बिजनेस की नॉलेज नहीं थी, सब कुछ था, बट बायजूस के पास प्रोडक्ट नहीं था। स्टार्टअप के फेलियर होने का कारण भी ये रहता है कि आप उसी मार्केट में बैठ के कॉम्पिटिशन में ये सोच रहे हो कि मैं एक्स्ट्रा 10 times बेचूंगा। नहीं, आपको ये सोचना पड़ेगा प्रॉफिट मेकिंग के लिए आप बेच क्या रहे हो। आज आप सोचो सिंगापुर, एमिरेट्स प्रॉफिटेबल क्यों, शुरुआत में बताया ना मैंने, और जबकि इंडिगो हो गया लेस प्रॉफिट मार्जिन पे चल रही है, या बाकी एयरलाइंस डूबने के कगार पे, क्यों? क्योंकि जो एमिरेट्स है, सिंगापुर एयरलाइंस है, इनका कस्टमर प्रीमियम है। आप एक फ्लाइट टिकट की बुकिंग देखो अभी 3,000 to 4,000 की, अगर दिल्ली से मुंबई जाते हो, वहीं पे अगर आप बिजनेस क्लास में जाओगे सिंगापुर के साथ, एमिरेट्स के साथ, तो ये पड़ता है 50,000 rupees का। तो यहाँ पे वो मार्जिन निकालते हैं। अब वो देखते हैं कि हम ज़्यादा सीट्स को भरें, मार्जिन को बढ़े, उनकी मार्केटिंग भी अच्छी होती है, प्रीमियम उनके पास कस्टमर होता है, तो एयरलाइंस में क्या प्रीमियम कस्टमर को टारगेट करते हैं, तो वो प्रॉफिट बना पा रहे हैं। अपने मार्केट को समझना जरूरी है। अगर आप ये सोचोगे ना कि भाई ये 100 rupees का माल है, मेरा कॉम्पिटिशन 120 का लेके बैठा है, तो मैं अपने माल को 150 में बेच के मेरे कॉम्पिटिशन से बहुत आगे निकल जाऊँगा, नहीं, कभी ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि आपका कंपटीशन जब 120 में लेके बैठा हुआ है ना, कस्टमर आपके पास क्यों आएगा 150 rupees में? आ भी रहे तो 30 rupees का अंतर है, ज़्यादा मार्जिन नहीं है। बट ये है कि आपके पास ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें एक तो मार्जिन 500-600 rupees, मतलब 200 rupees का आपने खरीदा, 1,000 rupees का बेच रहे हो, और कॉम्पिटिशन को इतना पता नहीं है, आप उसकी मार्केटिंग ऐसे कर रहे हो, ब्रांडिंग ऐसे कर रहे हो, तो उस केस में आप जीत सकते हो। डार्क साइड ऑफ द बिजनेस यही है कि लॉन्ग टर्म में बिजनेस आपको चलाना है तो प्रॉफिटेबिलिटी सोचनी पड़ेगी। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से मिलता हूँ, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में नहीं सोचते हैं, लॉस में चले जाते हैं, मार्जिन कम हो जाते हैं, उधारी ले लेते हैं, फिर लाइफ टाइम पछताते रहते हैं कि हमारा धंधा लॉस में चला गया, हमारा धंधा खत्म हो गया, हम बड़ा बिजनेस बना ही नहीं पाए। आपको बड़ा बिजनेस बनाना है तो आप एक चीज़ समझिए, प्रॉफिट्स के बारे में सोचो कि प्रॉफिट कैसे मिलेगा, धंधे में मार्जिन कैसे होगा, कस्टमर आपसे क्यों खरीदेगा, ये सारी चीज़ें आपको मदद करती है प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने से। फंडिंग आपका सक्सेस नहीं है भाई, फंडिंग मिलेगी, एक दिन पार्टी कर लोगे, दूसरे दिन पार्टी कर लोगे, तीसरे दिन तो इन्वेस्टर पूछेगा कि हाँ धंधे में क्या चल रहा है, रिटर्न कितना आ रहा है, कितना है, सेल्स कितनी हो गई, कितने टीम मेंबर्स बना लिए, बिजनेस का पूरा ऑडिट रिपोर्ट हमें भेजो कि क्या चल रहा है धंधे में। ये चीज़ समझो, फंडिंग इज नॉट कि ना आपका सक्सेस हो गया, आपने पार्टी कर ली, लोन भी नहीं है, अल्टीमेटली प्रॉफिट है आपकी सक्सेस, कि आप प्रॉफिट कितना करते हो, कस्टमर लॉन्ग टर्म कितना लेकर आते हो, वो ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म अच्छे मैनेजर्स हैं, लीडरशिप है, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हैं, उनके IPRs हैं, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट से पेटेंट है, तो आप जीत में हो, ना कि आपने फंडिंग उठा ली, लोन ले लिया, या कस्टमर को कुछ भी उठा के भेज दिया, लो मार्जिन में चल रहा, प्रॉफिट ही नहीं है। टर्नओवर कहने को तो बाहर दुनिया देख रही है, बहुत बड़ा ऑफिस है, 100 crore का टर्नओवर है, बट अंदर 10 lakh का प्रॉफिट क्या मतलब? 100 crore के हेडक पाल के 10 lakh साल का घर लेके जा रहे हो। एटलीस्ट 100 crore में 5 crore का प्रॉफिट तो करो, 5 crore तो आप घर लेके जाओ, वो धंधे अच्छे होते हैं, वो धंधे लॉन्ग टर्म चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपका बिजनेस भी लॉस मेकिंग है, आपको क्या बिजनेस में दिक्कत आ रही है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो कि आपके बिजनेस की समस्या क्या है, क्या आपको बिजनेस के अंदर कस्टमर्स लाने में दिक्कत होती है, कहाँ आपके ऑपरेशंस में दिक्कत लगती है, आपको हायरिंग में दिक्कत लगती है, सब कमेंट सेक्शन ओपन है। अगर मुझे आपका कमेंट अच्छा लगा तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और इस चैनल के ऊपर लेकर आऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, जैसे मैं काम की इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आऊँ आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।